मराठा आरक्षण के हिंसा के दौरान दंगाइयों ने सबसे ज्यादा कहर बीड जिले पर बरपाया था। दंगाइयों ने विधायकों के घरों को आग लगा दिया, दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की और इस एनसीपी मुख्यालय को भी आग के हवाले कर दिया था। आज भले ही हिंसा की आग बुझ गई हो, लेकिन अब भी मराठा मतदाताओं के मन में आरक्षण का मुद्दा धधक रहा है। जिसको भी मराठा साथ देंगे उसकी नैया इस चुनाव में पार हो जाएगी। मराठा वोटर पंकजा मुंडे की कमजोरी है तो अपने सबसे बड़े सियासी विरोधी को साथ मिलाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पंकजा को चुनाव हरा चुके उनके चचेरे भाई धनंजय मुंडे भी इलेक्शन में पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं। धनंजय खुद पंकजा का नॉमिनेशन कराने पहुंचे, पूरे रोड शो में भी बहन के साथ कवच बनकर रहे। पंकजा मुंडे का साथ देने के लिए पहली बार उनके छोटे भाई धनंजय मुंडे भी साथ में आए नजर आ रहे हैं। बीड़ के इस शिवाजी चौक पर दोनों भाई बहन आज इस चुनावी समर में उतरे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में धनंजय मुंडे ने हराया था पंकजा मुंडे को, लेकिन अब चूंकि महायुति है, धनंजय मुंडे एनसीपी अजीत पवार गुट में हैं और बीजेपी की उम्मीदवार है इस सीट से पंकजा मुंडे, तो उनकी मदद करने के लिए खुद धनंजय मुंडे जो है लीड ले रहे। देखिए किस तरह से धनंजय मुंडे आगे चल रहे हैं और अपनी बहन को मदद कर रहे हैं। पंकजा मुंडे जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर धनंजय मुंडे जो है वो साथ चल रहे हैं। कोशिश यही हो रही है कि पंकजा को इस पूरी लड़ाई में जो है जीत दिलाया जा सके। देखिए किस तरह से पीछे से तेज कदमों के साथ पंकजा मुंडे शिवाजी महाराज को अभिवादन करने के बाद आगे आ रही है। हजारों की संख्या में भीड़ यहां पर आई है और अपने बहन को प्रोटेक्ट करते हुए इस भीड़ से आगे बढ़ रहे हैं धनंजय मुंडे। पंकजा के साथ में रास्ता बनाते हुए जा रहे हैं। ये रास्ता दरअसल दिल्ली की ओर जाता है और धनंजय अपनी बहन की विजय में पूरी ताकत लगा रहे हैं। भाई बहन की जोड़ी को देखकर कार्यकर्ताओं का जोश सातवें आसमान पर है। रोड शो में गोपीनाथ मुंडे की लिगेसी की झलक दिख रही है। मुसलमान वोटर्स की मौजूदगी पंकजा का हौसला बढ़ा रही है। गोपीनाथ राव जी मुंडे साहब हर धर्म को लेकर चलते थे, हर धर्म के काम करते थे। गोपीनाथ मुंडे साहब का है तो जो वतन अच्छा था महाराष्ट्र के अंदर, और यहाँ का मुस्लिम समाज मुंडे साहब को मानता। आप बताइए आप क्यों मानते हैं? मुंडे साहब के ओर से मानते, सब धर्म को लेकर चलते थे वो। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं है, गलत है वो। नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं बोलता, नहीं गलत है वो। भीड़ में नहीं, हमारे भीड़ में बीजेपी का कुछ नहीं, कोई खिलाफ बोलता नहीं, कोई जातिवाद नहीं। धनंजय मुंडे, पंकजाताई मुंडे, प्रीतमताई मुंडे, ये सब है तो जो हर समाज को लेके चलने वाले है ये। और ये हम है तो जो मुंडे साहब के जमाने से गोपीनाथ राव जी मुंडे साहब के साथ है, और है तो जो आने वाले इलेक्शन में भी 13 तारीख को पंकजाताई को हम है तो जो ज्यादा से ज्यादा मतों से चुन के देंगे भीड़ जिले। पंकजा मुंडे अभी तक लोकसभा चुनाव में अपने पिता गोपीनाथ मुंडे और बहन प्रीतम मुंडे के लिए प्रचार करती रही हैं, लेकिन इस बार वो खुद ड्राइविंग सीट पर हैं। आज अलग भूमिका में अब तक अपने परिवार के सदस्यों के लिए आप प्रचार करते थे, लेकिन आज आप खुद मैदान में। जी आज तक मेरे पिताजी का दो बार प्रीतम का चुनाव का मैंने सारथ्य किया है, और आज पहली बार मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हूँ, और लोगों में बहुत उत्साह है आप देख रहे हैं, क्योंकि 5 साल मैं को भी संवैधानिक पद पर नहीं थी। लोग इस चीज का बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं कई लोगों से बात कर रहा था, उनका कहना था कि आमतौर पे कोई उम्मीदवार हार जाता है तो शांत हो जाता है, लेकिन 5 साल तक लगातार आप लोगों के बीच में रही, उनकी समस्याओं को सुन रही। हाँ, मैं 5 साल कोई भी पद पर ना होकर भी मैंने जनता के हित को प्रोटेक्ट किया है, इसलिए जनता मेरे साथ है। आपके सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं तुतारी के, उनका कहना है कि ताई एक्सेसिबल नहीं थी कार्यकर्ताओं के बीच में, इस बार मुश्किल चुनाव जाएगा उनका। ये कुछ ना कुछ उनको कहना ही पड़ेगा। उनको 5,09,000 वोट मिले हैं, उन्होंने 5,000 लोगों को भी मिले नहीं है। हम मैं और प्रीतम लगातार काम कर रहे थे, 5 साल पब्लिक में ही थे, कोविड में हमने हजारों जाने बचाई। पंकजा मुंडे मानती हैं कि मराठा आरक्षण यहां बड़ा फैक्टर है, लेकिन वो इसे सेंटर नहीं स्टेट का टॉपिक बता रही हैं। दावा कर रही हैं
कि मराठा जैसा पहले उनके साथ था वैसे ही अब भी है। मराठा आरक्षण बड़ा मुद्दा है, नाराजगी काफी देखी जा रही है ग्रामीण इलाकों में। वो राज्य शासन का विषय है, उन्होंने मराठा समाज को शब्द दिया है, वो जरूर उसको सकारात्मकता से हैंडल करेंगे, वो हमारे मुद्दा नहीं रहेगा। शरद पवार की पार्टी का टूटना भी इस सीट पर बड़ा फैक्टर है। अजीत पवार वोटों का बड़ा धड़ा लिए बीजेपी के साथ खड़े हैं और शरद पवार इमोशनल अपील के जरिए पासा पलटने की उम्मीद कर रहे हैं। की तरफ से कहा जा रहा है शरद पवार जी को इस बार भावनिक अपील की है तो उनको साथ मिलेगी, वो उनका विषय है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप जनता ये भावनिक अपील बारामती में होगा। यहाँ एनसीपी शरद पवार के बजरंग सोनावड़े की कैंपेनिंग में भी जोरदार रंग जमा हुआ है, वो जहाँ भी जा रहे हैं जोरदार स्वागत हो रहा है। बजरंग बप्पा से जुड़े नारों से बीट की गलियां गूंज रही हैं। बजरंग सोनावड़े मराठा समाज से आते हैं, अपनी शुगर मिल की वजह से इलाके में काफी पॉपुलर भी हैं। इसका उन्हें पूरा फायदा मिलने की उम्मीद है। मनोज जरांगे के समर्थन से उनकी ताकत दोगुनी हो गई है। उनकी नजर मराठा मुस्लिम और दलित वोट पर टिकी है। माना जा रहा है कि अगर ये धड़े उनके साथ आ गए तो एनसीपी शरद पवार उद्धव सेना और कांग्रेस का कोर वोट मिलाकर उनकी नैया पार हो जाएगी। इसलिए वो जहां भी जा रहे हैं वो मराठा आरक्षण के मुद्दे को हवा जरूर दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि राख के ढेर में दबी आरक्षण की चिंगारी जितना सुलगेगी उतना ही उनके खाते में वोट जुड़ता चला जाएगा। ओबीसी और मराठा के बीच पैदा हुई खाई जितना बढ़ेगी ईवीएम पर उनका क्रेडिट बैलेंस उतना ही बढ़ेगा।